ग्रामर आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में आज जो है ग्रामर को कैसे बनाते हैं उसके जो नियम है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए इंग्लिश ग्रामर में हिंदी अंग्रेजी व्याकरण रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल्स है बहुत ही सिंपल है वर्ड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है आपको तो सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि मैडम अल्फाबेट क्यों यूज कर रही है, लेकिन स्टूडेंट्स यदि आपका बेस क्लियर होगा तो इंग्लिश आपको अच्छे से आएगा। ठीक है अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट में कुल 26 वर्ण या अक्षर या लेटर होते हैं, ये आपको नॉलेज में है। ठीक इन 26 वर्णों को दो बराबर भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें वॉवल्स कहलाता है, ये स्वर कहलाता है VOWE। ठीक नेक्स्ट है व्यंजन कॉन्सोनेंट बोलते हैं इसको, जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे। ठीक अच्छा तो स्वर होते हैं, स्वर जो है अंग्रेजी में 5 होते हैं टोटल। कौन कौन से स्वर होते हैं देखिए, फर्स्ट पहला स्वर है ए ई आई ओ एंड यू, ये आपके 5 स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सेकेंड है व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, जो 26 में से 5 जो है माइनस हो है ना, तो 21 जो ये शेष है उसको क्या कहते हैं व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में जो एक 5 को छोड़ के जो भी अक्षर है वो ये इस प्रकार है। ठीक अब इसमें फर्स्ट आता है स्टेप आता है कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर। बड़े अक्षर का मतलब होता है कि कैपिटल में लिखना है, जैसे कोई भी अक्षर लिखना है ए से जेड तक ए टू जेड में। ठीक टू जेड में तो ये आपके बड़े अक्षर आएंगे। देन स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स आएगा स्मॉल ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार आपके जेड तक के स्मॉल लेटर्स होंगे 21। सेकेंड है स्टेप पंक्चुएशन ऑफ इंग्लिश विराम चिन्ह। अंग्रेजी में विराम चिन्ह का बहुत ही महत्व है क्योंकि हम अंग्रेजी को या हिंदी में बोलते समय किसी भी वाक्य में कहीं ना कहीं रुकते हैं या फिर अपने बातों के जरिए आप किसी को अपने वाक्यों को छुपे अर्थों का एहसास कराते हैं, वही हम किसी ना किसी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ ऐसे विराम चिन्हों को जानते हैं। पहला है विस्मयादी बोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन, फर्स्ट है सी एल ए एम ए मार्क्स। देखिए तो विस्मयादी मतलब जैसे सुन के एकदम से आश्चर्य होने लगे हमें, वाह ओ, है ना, तो इसमें जो चिन्ह यूज होता है वो देखिए एक उदाहरण है। फर्स्ट है वाह, वहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं वाउ। ठीक और इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार होगा, ये कहलाता है विस्मयादी बोधक। सेकंड भगवान का शुक्र यानी थैंक गॉड, कहते हैं ना कोई भी हमारा अच्छा वर्क होता है ना बस चाहते हैं तो बोलते हैं बधाई हो, कोई भी खुशी के लिए जाहिर करते हैं तो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक ये शब्द आता है ठीक
पी यू जब चिन्ह हम लगाएंगे वो कैसा होगा, इस प्रकार। उसके बाद शाबाश क्या बोलते हैं, वेल डन। वेल डन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। इस प्रकार के चिन्ह, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो पहला चिन्ह था एक्स प्लस मैट्रिक चिन्ह, सेकेंड आता है प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बारे में आपको तो मालूम है कि क्वेश्चन मार्क किस प्रकार होता है, आइए इसके उदाहरण द्वारा समझें। तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन करते हैं, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, ओके। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, ठीक। इसमें पहला वर्ड आपको कैपिटल में रहेगा, बाकी स्मॉल लेटर में रहेगा। वह कहाँ रहता है, डे है, डस ही ली, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, कहाँ, क्यों, कैसे, क्वेश्चन मार्क के लिए क्या, कहाँ, क्यों, कब, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों के बाद ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, होमवर्क आपके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको फाइव फाइव जो सेंटेंस है वो बनाना है क्वेश्चन मार्क के और एक्स्ट्रा मैट्रिक, ठीक है। आप बना के कॉपी में लिखेंगी, याद करेंगी, स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखेंगे। थैंक्स।